शासन द्वारा हर जिले में महिला चौकी स्थापित करने के बाद अब उसके सकारात्मक संदेश देखने को मिलने लगे हैं। जहां जालौन में शिकायत करने आए एक परिवार को महिला पुलिस ने खुशी खुशी एक साथ घर भेज दिया। जालौन में महिला चौकी द्वारा एक सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां शनिवार को एक दंपति महिला चौकी पहुंचा और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की मांग की, लेकिन महिला चौकी प्रभारी नीलम सिंह ने दोनों पक्षों को सम्मान सहित बिठाकर एक एक करके दोनों की समस्याओं को सुना और मामले को गंभीरता से देखते हुए दोनों पक्षों को समझाया। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों को समझ आया कि उनको आपस में गलतफहमी हुई है। इसके बाद दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाते हुए अपने अपने प्रार्थना पत्र वापस लिए और सुलहनामे पर लिख कर दिया, जिसके बाद दोनों हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घर चले गए। देखिए, मामला तो ये था कि पारिवारिक मामला था। बहू ससुर ने उसके शिकायत करी थी कि हमारी वो छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बनाती है, लड़ती झगड़ती है। फिर मैंने दोनों पार्टियों को बुलाया तो हमने उसकी बहू से पूछा क्या तुम चाहती हो, तो उसने कहा मुझे कोई वो नहीं करना है, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पति से भी कह दीजिए कि हमें थोड़ी थोड़ी बात के लिए परेशान ना करें। तो फिर दोनों को समझाया बुझाया काफ़ी, तो बहू की समझ में आ गया और अपनी राजी खुशी से वो अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने मामला उनका कर दिया और पति से भी पूछा तो वो भी स्वेच्छा से अपनी पत्नी को रखना चाह रहे थे, तो मैंने कहा रख लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर भविष्य में कोई दिक्कत। मतलब दोनों यहाँ पर आने के बाद संतुष्ट होकर खुशी खुशी वापस गए, संतुष्ट होकर खुशी खुशी वापस गए हैं और लिख के भी दे गए हैं कि अब भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना कोई शिकायत होगी, अगर ऐसा होता तो फिर आएंगे। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।